और आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र कर्नाटक में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ छापेमारी के दौरान एनआईए ने 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ताबड़तोड़ छापेमारी इसको लेकर लगातार जारी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों की अगर बात की जाए तो 44 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। 44 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे और भी संदिग्ध अगर लगता है तो उनको भी हिरासत में लेने की जानकारी यहां से मिल रही है। ये बड़ी खबर है। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन दिख रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में एनआईए की ये छापेमारी लगातार जारी है। और अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अभी बताया जा रहा है 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, 13 लोगों को हिरासत में, इसी तरह एक्शन आगे भी देखने को मिलेगा, आपके पास क्या डिटेल? जी बिल्कुल, 2023 में ये एनआईए ने मामला दर्ज किया था मई के महीने में, और उस सिलसिले में यह पूरी की पूरी छापेमारी है। और कर्नाटक और महाराष्ट्र में छापेमारी चल रही है, कर्नाटक में एक जगह जबकि महाराष्ट्र में 40 से भी ज्यादा जगह। और जिन 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है वो लोग आईएसआईएस के इस मॉड्यूल के कार्यकर्ता थे, जो युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़काते थे और भारत विरोधी एजेंडे को वह सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित कर रहे थे। कुल मिलाकर इनका यही मकसद था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और सद्भाव में ठेस पहुंचे, और इसी साजिश के तहत यह काम कर रहे थे। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा, इसको लेकर कोई और जानकारी होगी तो फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। अमित, जैसा कि बता रहे थे, एक एक जगह पर यहां पर तलाशी ली जा रही है, और साथ ही ये भी कि जांच का दायरा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है।